इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं बीच पर्सन और कुछ होते हैं माउंटेन सोल। और सदियों से इनके बीच में बहस हो रही है कि बीच बेहतर या पहाड़। पर एक ऐसी जगह मिल जाए जहां बीच भी हो और पहाड़ भी, सुनने में थोड़ा सा लगा है पर ये सच है। ऐसी जगह को बोलते हैं क्लिफ बीच, और ये ऐसी ही एक जगह है, वर्कला। और मैं हूं आम यात्री, और हम एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लिफ बीच इन इंडिया, और ये है कोस्ट ऑफ केरला सीरीज का चैप्टर 2। एलएपी में 3 दिन बिताने के बाद मैंने उसको बोला बाय, और सुबह 6 बजे की ट्रेन लेने मैं पहुंचा स्टेशन, और वहां से 1 घंटा और 50 मिनट में मैं पहुंचा अपनी अगली डेस्टिनेशन, वर्कला बाबा। Welcome to Workala. काफी साल पहले मैं यहाँ पे आया था, यूरोपियन कपल था, वो इसको रन करते थे, बट नाउ ये जो लोकल है वो इसको रन करते हैं, और मैं इस वाले कॉटेज में रुका हूँ। सेकंड टाइम मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आया था माय एक्सपीरियंस वाज रियली रियली गुड। और बीच यहाँ से बहुत ज्यादा पास है, सिर्फ 2 मिनट का वॉक है और आप बीच के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो वर्कला इज फेमस फॉर क्लिफ बीच जो कि बिल्कुल सामने है, और दूसरी चीज वर्कला फेमस है इसके कैफेज के लिए, जो यहाँ पे कैफेज है इट्स लाइक टोटली ऑसम। और जो सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ खाना खाने वो है दार्जिलिंग कैफे में, विच इज लाइक रियली फेमस हियर। सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट हियर। 15 पेज के इस मेन्यू में ब्रेकफास्ट के लिए लिमिटेड ऑप्शंस थे, यहाँ का खाना और सर्विस बेहतरीन थे, और ये परफेक्ट शुरुआत थी वर्कला को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ना दो लिए अच्छे बच्चे बन गए, अब हम जा रहे हैं वर्कला बीच पे, उसके बाद विल गोना सी द होल क्लिफ हियर, सो लेट्स गो। तो ये है हेलीपैड वर्कला का, और यहाँ पे पार्किंग होती है। यहाँ से आप आते हैं तो गाड़ी वाड़ी और स्कूटी वगैरह यहाँ पे बाइक वगैरह पार्क करके, ये जो रास्ता है यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल वे, ऐसे पहाड़ों से नीचे उतरते हुए बीच की तरफ जाते हैं। सो ये है वर्कला बीच, ज्यादा बड़ा बीच नहीं है, छोटा सा बीच है, पूरी तरफ इन्होंने फेंसिंग करी हुई है बिकॉज एकदम से काफी डीप है यहाँ पे। इट्स रियली ब्यूटीफुल, अगर ऊपर से देखते हैं क्लिफ से तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और नीचे आके इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल बीच। हाई टाइड की वजह से पानी में जाना तो पॉसिबल नहीं था, बट बीच पर तो आप घूम ही सकते हैं। और बीच के वहीं है वर्कला मैरीन पैलेस रेस्टोरेंट, जहाँ स्नैक्स और चिल्ड बियर के साथ आप बीच को निहार सकते हैं। तो वर्कला बीच पे उतरना और चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, क्लिफ से ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा नीचे है बीच, बट एक्चुअल में वो बहुत ही ज्यादा इजी है, 5 मिनट के अंदर आप नीचे भी उतर सकते हैं, और बिना किसी थकान के बहुत इजीली आप ऊपर भी आ सकते हैं। सो अगर आप हेलीपैड से आते हैं तो ये स्टार्टिंग है क्लिफ की, ये अराउंड 1-1.5 किलोमीटर का पूरा क्लिफ है, पूरे क्लिफ के ऊपर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी शॉपिंग करने की जगह है। अभी चलते हैं किसी शॉप पे, देन विल गोना सी कैसे रेट्स हैं और क्या सीन है। ये जो जगह है वर्कला का क्लिफ, इट्स लाइक जन्नत, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, सब लड़कियों का सामान है, लड़कियों का सामान है, सारी चीजें लड़कियों का है, बॉयज का भी है बट बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। सो आई गॉट दिस शर्ट, इन दीदी ने दिया, कितने का दिया बता दो। महंगा है वैसे, नॉर्मली 250 का मिलता है, बट ठीक है चलेगा। अगर आप बार्गेन नहीं कर सकते तो यहाँ पे शॉपिंग करना आपके बैंक बैलेंस के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। शॉपिंग के बाद आप क्लिफ पर वॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे है काफी सारे कैफे, उन्हीं में से एक कैफे है। सो आई एम एट कैफे इटालियनो, एंड आई कैन से दैट दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफे ऑन वर्कला क्लिफ, बट आई कांट से द सेम थिंग अबाउट फूड एंड सर्विस। 10 मिनट बाद कोई आया वैसे ऑर्डर लेने, और उसके बाद फूड आया आधे घंटे बाद, इटालियनो जैसे इनका नाम है, तो आई ऑर्डर्ड पिज्जा बिकॉज उससे बेसिक क्या हो सकता है, इटालियन फूड में बहुत ही ज्यादा खराब था, मैं आधा छोड़ के आया हूं, इट वाज दैट बैड। After really disappointing lunch, मैं थोड़ा सा sad था, but ये गम ज़्यादा देर तक रहा नहीं। Cliff पर walk करते करते मैं पहुंचा cliff के end में, वहाँ मिला मुझे बिंदुस कैफे, एक छोटा सा normal कैफे, और वहाँ मैंने पी अपनी जिंदगी की best cold coffee, और वहीं से मैंने experience करा एक जबरदस्त sunset। मुझे लगा दिन यही खत्म करते हैं, but मुझे पता लगा एक जगह के बारे में। So वो था end of cliff, और cliff के end में there is one aquarium, Workala aquarium, और वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लोगों ने मेरे को ऐसा बताया, और अभी बजे 6:30 के बीच में, आई होप वो खुला हो। सो दिस इज फिश एक्वेरियम, और 3 फ्लोर बड़ा ये फिश एक्वेरियम है, यहाँ पे कितनी सारी फिश है, हर फ्लोर पे अलग अलग वैरायटीज हैं यहाँ पे फिश की, एंड इफ यू आर अ फिश लवर, मतलब खाने वाला नहीं, मतलब वैसे इफ यू आर अ फिश लवर देन यू शुड कम हियर, मतलब मेरे को कितना मजा आ रहा है यहाँ पे आके, आई जस्ट कांट टेल यू, इतने सारी फिशेस अलग अलग कलर अलग अलग साइजेस की हैं, सो अमेजिंग, एंड आई मस्ट से यू शुड विजिट दिस प्लेस।
वेलकम टू द न्यू मॉर्निंग। और आज एक बहुत ही स्पेशल जगह जा रहे हैं हम, जटायु अर्थ सेंटर, जो रिसेंटली बना है। मतलब मेरे लिए तो रिसेंटली है, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो यहाँ पे नहीं था। वर्कला मेन बीच से अराउंड 40-45 मिनट्स लगते हैं वहाँ जाने में। ये स्कूटी मैंने हायर करी है, सो लेट्स गो। और थैंकफुली अभी धूप है, आज वेदर दिखा रहा था बारिश वाला। तो जटायु अर्थ सेंटर आप कार से भी जा सकते हैं, कैब ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं, और मेरी तरह स्कूटी या बाइक से भी जा सकते हैं। कैब है और ऑटो है वो मेरे को ज्यादा एक्सपेंसिव लगा एज कम्पेयर टू स्कूटी। जो कैब है वो लेती है अराउंड 1000 से 1500 के बीच में, और जो ऑटो है वो लेता है अराउंड 700-1000 के बीच में। स्कूटी मेरे को मिली है सिर्फ 350 रुपीज पर डे, तो आई थिंक ये इकोनॉमिकल है काफी। स्कूटी अगर आप सिंगल हैं या कपल हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्कूटी ले लें। तो बाबा काले काले बादल आ चुके हैं और हल्की हल्की सी बारिश शुरू भी हो चुकी है। बारिश में एकदम से तेज हो गई है, तो अभी तो यहीं पे वेट करेंगे। और स्कूटी पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि बारिश वाला मौसम ना हो। चलो जी, बारिश फिर से बंद हो गई है और जल्दी जल्दी चलते हैं, लेट्स गो। पहुंच गए जटायु अर्थ सेंटर पे, और ये पूरा एरिया है यहाँ पे पार्किंग का। वहाँ पे कार पार्क होती है, यहाँ पे बाइक पार्क होती है, वहाँ से अंदर एंट्री है। पार्किंग के 10 रुपए फीस है, वो है 499 पर पर्सन, जिसके अंदर जो रोप वे से ऊपर जाते हैं वो इंक्लूड है। थोड़ा सा महंगे वाली साइड है, एक बार के लिए आप यहाँ पे आएंगे तो इट वुड बी वर्थ, बिकॉज दूर से दिख रहा था वो जटायु एंड इट वॉज लुकिंग रियली गुड। जटायु दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर है। 2018 में इसको पब्लिक के लिए ओपन किया था, और ये सिंबलाइज करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, देयर ऑनर और सेफ्टी को। और इसको डिजाइन और बनाया था मिस्टर राजीव अंचल ने, और इससे पहले मैंने इसको सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स में ही देखा था। सो ये जो है यहाँ पे ये स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ऐसे चलते चलते आपको इसमें बैठना है, जो कि थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। So finally we have reached. So this is Jatayu Earth Center and it is really big. बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर इसको बनाया गया है, and there is this temple also, श्री राम का टेम्पल है, और चारों तरफ यहाँ पे पूरे पहाड़ी पहाड़ है। I just can't believe के बीच से मैं निकला और within 40 minutes मैं पहाड़ों के बीच में आ गया हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं बीच साइड था या कहीं पे भी था, but this thing Jatayu is like amazing. And if you're coming to Varkala, Baba, this place bilkul bhi miss mat karna, because it's a once in a lifetime kind of place. So ye yahan pe hai Ram Mandir, jo abhi band hai. Iske timing hai subah 6 baje se leke din ke 12 baje tak, aur uske baad 5 baje ye dobara open hota hai. Abhi ye close hai to andar nahi ja sakte. Isi mandir ke complex mein Ram ji ke pair ke nishan hai, jab wo Jatayu ko moksh dene ke liye yahan pe aaye the, to unhone ek pair rakha tha yahan pe jiska pura aise nishan bana hua. एक बड़ा सा पैर है राम जी का। इट्स रियली अनबिलीवेबल एंड इट्स सच अ नाइस प्लेस। जो इतना वास्ट जटायु बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इसको। 2018 में ये कंप्लीट हुआ था, बट ओवरऑल इट्स अ रियली अमेजिंग प्लेस। घूमने के बाद अगर आपको कुछ खाना है तो आप जटायु कार्निवल पे खा सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। वापस चलने का टाइम आ गया, टाइम टू गो बैक, बट व्हाट द हेल, इतनी लंबी लाइन है भाई यहाँ पे। नीचे आने के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं 10D मूवी और कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। तो बाबा ये पीछे भीड़ देख रहे हो, ये शाम को जाने वाले लोग हैं, तो आपको यहाँ पे शाम को बिल्कुल भी नहीं आना है, सुबह सुबह आओ। जस्ट लुक एट दिस कार्स, वो बसेस खड़ी हुई है वहाँ पे। सुबह जब मैं आया तो ये पूरा खाली था, एंड जस्ट लुक एट दिस बाइक स्टैंड, बहुत रश है। चलो बाबा वापस चलते हैं। सो फाइनली बैक एट होटल, और अभी सीधा मैं जा रहा हूँ क्लिफ के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और अब मेरे को कैफ़े वैफे से नहीं खाना कुछ, मेरे को साउथ इंडियन देसी खाना है, सांभर वांभर, बिकॉज बहुत हो गया है कैफ़े वाला। सो लेट्स गो। क्लिफ पर साउथ इंडियन फूड वाला कैफे ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, बट फिर मुझे मिला रैबिट कैफे, और बाबा यहाँ जब इडली और डोसा खाया ना तो बस मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैं गया अपनी फेवरेट जगह बिंदुस कैफे, और एक आखिरी बार अपनी फेवरेट कॉफी पी, और वर्कला में अपना आखिरी सनसेट देखा। फिर मुझे दिखाई दी लहरें और उनसे लड़ता और आगे बढ़ता हुआ सरफर, तो ख्याल आया बाबा यही तो है जिंदगी।